ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज ये स्मैकडाउन के शो के बारे में। और आज का जो स्मैकडाउन का शो था मनी द बैंक से अगर हम इसे जोड़ के देखें तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और मनी द बैंक के लिए क्या सीन होगा स्मैकडाउन की तरफ से वो हमको शो में पूरी तरीके से क्लियर होता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा गाइस शेमस की डायरेक्शन आगे क्या होगी फाइनली हमको उसका हिंट जो है मिल चुका है या फिर WWE ने एक तरह से उसको रिवील ही कर दिया है। और गाइस ब्रॉन स्ट्रोमैन के दिमाग का एक बार फिर से हो गया दही। तो गाइस स्मैकडाउन के शो में क्या कुछ हुआ, कैसा ये शो था, अच्छा था, बुरा था, सारी बातें होंगी इस वीडियो में। और गाइस आपको देखना है इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले इस बार मैं सरप्राइज हुआ देखे कि शो की शुरुआत करते हैं डैनियल ब्रायन। और गाइस डैनियल ब्रायन ने आकर रिंग में प्रोमो कट किया और जब उन्होंने प्रोमो कट किया तो मेरे को कुछ उनके पुराने वाले टाइम की याद आई, मतलब जिस टाइम पर डैनियल ब्रायन अपनी प्राइम में थे, क्योंकि ऐसे प्रोमो सेगमेंट उनको तभी अलग से मिलते थे, शो की शुरुआत करने को मिलती थी। तो बहुत ही अच्छा लगा देख के डैनियल ब्रायन रिंग में आते हैं, वो कहते हैं कि जो मैं करता हूं मुझे वो करने में काफी मजा आता है, मेरे को चैलेंजेस पसंद है। और इस बार मनी इन द बैंक में बहुत तगड़ा मेरे सामने चैलेंज है क्योंकि जो मनी इन द बैंक का मैच है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक होने वाला है। ये होगा WWE के हेडक्वार्टर के अंदर। मुझे नहीं पता कि मैं टॉप तक कैसे जाऊंगा, क्या मैं एलिवेटर्स का यूज कर सकता हूं, या अगर सोचो मैंने कोई एक्सपेंसिव चीज तोड़ दी तो उसका मुझे क्या जुर्माना भरना पड़ेगा। मतलब एक तरीके से वो अपने सामने जो है चैलेंज रख रहे होते हैं कि भाई बहुत कुछ अजीब हो सकता है इसमें। और हम लोगों को बेसिकली वो हाइप कर रहे होते हैं मनी इन द बैंक के इस लैडर मैच के लिए। और गाइस यहां पर क्योंकि उनका मैच था बैरन कॉर्बिन के अगेंस्ट, तो बैरन कॉर्बिन आकर उनको इंटरप्ट करते हैं और वो कहते हैं कि यार डैनियल ब्रायन तुम सपने मत देखो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला और मैं ही वो बंदा हूं जो कि लैडर मैच में पार्टिसिपेट कर रहा है और वो इस मैच को जीत भी जाएगा। उसके बाद डैनियल ब्रायन थोड़ा सा याद दिलाते बैरन कॉर्बिन को कि यार देखो हिस्ट्री में बहुत ही कम ऐसे बंदे रहे जिन्होंने अपने मनी इन द बैंक को जो है फेल करवा दिया कैश इन, और तुम उनमें से एक हो। बैरन कॉर्बिन कहते हैं कि देखो वक्त बदल गया है, तुम उतने ज्यादा अब हंग्री नहीं हो, तुम पहले जैसे तुमने पहले ब्रीफ के जीता था, तुमने कैश इन किया था, वो तुम अब नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये काम करके दिखाऊंगा। और गाइस उसके बाद दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच जो मैच स्टार्ट हो जाता है। मैच ये ओके सा था, कुछ यहां पर बिल्कुल खास भी नहीं था, लेकिन गाइस एंडिंग यहां पर कुछ ऐसी होती है क्योंकि रिंग साइड के आसपास जो है सारे के सारे लैडर पीछे होते हैं। तो बैरन कॉर्बिन क्या करते हैं कि वो सीधा लैडर ही मार देते हैं, लैडर फेंक के मार देते हैं डैनियल ब्रायन पर। इस पर जो है रेफरी ने देख लिया और मैच में जो है डिस्क्वालिफिकेशन से एंडिंग हो गई, डैनियल ब्रायन मैच को जीत गए। उसके बाद जो कॉर्बिन है वो कोशिश करते हैं कि भाई मैच तो मैं हार ही गया हूं, अब क्यों ना डैनियल ब्रायन को जो है थोड़ा सा ठिकाने लगाया जाए। लेकिन गाइस डैनियल ब्रायन इसको भी काउंटर कर देते हैं और वो रिंग के बीचों बीच लगा देते हैं यस लॉक। बट गाइस तभी यहां पर आते हैं शिंसुके नाकामुरा और सिजारो और गाइस उन्होंने जो है डैनियल ब्रायन के ऊपर अटैक कर दिया। और गाइस स्टेज से सीधा साइड में लैडर्स के ऊपर डैनियल ब्रायन को फेंका गया। ये बहुत ही खतरनाक भी हो सकता था अगर डैनियल ब्रायन थोड़े उल्टे फुलटे तरीके से गिरते, बट ठीक है चीजें सही चली। और गाइस डैनियल ब्रायन का जो है शुरुआत में काफी ज्यादा बुरा हाल हो गया, मैच तो वो जीत गए डिस्क्वालिफिकेशन से, बट गाइस ये 3-on-1 की जो सिचुएशन थी वो उनके ऊपर जो है थोड़ी सी भारी पड़ गई। तो अब यहां पर देखकर लग रहा है कि सडनली WWE डैनियल ब्रायन को ऐसे बिल्ड कर रही है कि हम लोग उनके लिए चीयर करेंगे जैसे कि वो इस मैच को जीते। और देखकर अब थोड़ी सी अलग फीलिंग आ रही है डैनियल ब्रायन को लेकर, जिस तरीके से सेगमेंट था अब एक थोड़ी अलग ही मूड के साथ डैनियल ब्रायन मैच में एंटर करेंगे। और पर्सनली मैं उनको देखने के लिए एक्साइटेड हूं और कह सकते हैं शो की जो शुरुआत है वो WWE ने बहुत ही कमाल तो नहीं लेकिन ठीक ठाक तरीके से जरूर कर दी थी। नेक्स्ट गाइस में देखने को मिलते हैं मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमैन जो कि है हमारे यूनिवर्सल चैंपियन, वो बेल्ट के साथ जो है रिंग में आते हैं। और गाइस वो ब्रे वायट से कहते हैं तुमको मेरे साथ जितना भी खेल खेलना है तुम खेल सकते हो, तुम मेरे को पास से जो है गिफ्ट वगैरह भेज सकते हो। लेकिन इसके आगे ब्रॉन स्ट्रोमैन कुछ बोलते तभी गाइस हमको देखने को मिलता है ब्रे वायट का फायरफ्लाई फन हाउस। और गाइस ये वाला सेगमेंट बहुत ही यूनिक था और इसके लिए यार मैं WWE की कितनी तारीफ करूं या फिर ब्रे वायट की कितनी तारीफ करूं बहुत ही ज्यादा कम है। इतना यूनिक हमें यहां पर सेगमेंट देखने को मिलता है कि ब्रे वायट आते हैं स्टोरी टाइम के साथ और गाइस वो बुक लेके आते हैं जहां पर वो स्टोरी सुना रहे होते हैं उसमें से। और गाइस ये जो स्टोरी थी वो थी द ब्लैक शीप की, वो बताते हैं कि कैसे ब्लैक शीप भटका हुआ था, ब्लैक शीप को जो है शीप का रखवाला जो है अपने साथ रखता है, उसको पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, यानी कि एक तरह से वो जो शेपर्ड है वो होते हैं ब्रे वायट और जो ब्लैक शीप है वो होते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन। लेकिन उसके बाद जो शेपर्ड है उसकी तरफ से बता रहे होते हैं ब्रे वायट की जो ब्लैक शीप है वो छोड़कर चला गया, जो ब्लैक शीप है वो बिना गुड बाय कहे चला गया, शेपर्ड बहुत ज्यादा परेशान था। उसके अलावा उसके फार्म में जो बंदे थे वो भी सारे चले गए। और गाइस यहां पर ये पूरी वाइट फैमिली की बात हो रही थी कि कैसे वाइट फैमिली के सारे बंदे अब अलग अलग जा चुके हैं। और गाइस उसके बाद ब्रे वायट कहते हैं चलो हैप्पी एंडिंग पर आते हैं, इसी तरीके से वो जो शेपर्ड है वो ढूंढ लेता है किसको, द ब्लैक शीप को, और वो उसको स्लॉटर हाउस में ले जाने की बात करता है। मतलब ब्रे वायट यहां पर बता रहे हैं कि अब वो क्या करने वाले हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ। ब्रॉन स्ट्रोमैन के दिमाग का दही हो गया भाई, वो कह रहे हैं ये क्या बकवास हो रही है, मतलब इस चीज से बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो गए थे ब्रॉन स्ट्रोमैन, उनको समझ नहीं आ रहा कि ब्रे वायट क्या कह रहे हैं क्योंकि एकदम
एकदम से माइंड में घुस के करने वाली बात थी। और गाइस ब्राउन स्ट्रोमन कहते हैं तुम बकवास बंद करो, तुम्हें जो करना है तुम रिंग में आके करो, मेरे सामने करो। और गाइस इस पर ब्रेव हार्ट क्या करते हैं, वो बाय बाय करके अपना फायरफ्लाई फनाउस जो है शो यहीं पर एंड कर देते हैं। और इस तरीके से हमको फिर से पता चला कि ब्राउन स्ट्रोमन के माइंड में घुस चुके हैं ब्रेव हार्ट। और गाइस पर्सनली वाला सेगमेंट अगर आप देखो तो फिजिकल यहाँ पर एक्शन कुछ भी नहीं था, जो कि हमेशा हम लोग कहते हैं कि एक बैड पॉइंट रहता है, बट फिर भी गाइस ये थिंग मेरे को काफी ज्यादा पसंद आई। जो स्टोरी लाइन के आइडिया यहाँ पर आ रहे हैं वो काफी अच्छे हैं। और देखते हैं फिर आगे जाकर स्मैकडाउन का शो भी बाकी मैन द बैंक से पहले, तो वहां पर हमको और कुछ क्या कमाल का देखने को मिलता है। नेक्स्ट गाइस मैच आता है एक बार फिर से शेमस का, और मेरे कहने से पहले भाई आप लोगों ने बिल्कुल सही प्रेडिक्ट कर लिया है, एक बार फिर से ये था शेमस का स्क्वॉश मैच। और गाइस इस मैच के अंदर भी शेमस जीत गए, लेकिन गाइस मैच खत्म होने के बाद हमको यहाँ पर पता चला कि उनकी डायरेक्शन क्या हो सकती है। जो हमको पहले कुछ हफ्तों से लग रहा था कि शायद जो शेमस और जेफ हार्डी है उनकी हमको फ्यूड देखने को मिल सकती है, तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू ने यहाँ पर कुछ ऐसे ही दिखाने की कोशिश करी है। एक बार फिर से जो शेमस है माइकल कोल के पास चले जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या अगले हफ्ते आ रहे हैं शेमस, तो उनको पता लगता है कि हाँ भाई आ रहे हैं। तो शेमस कहते हैं कि मैं इंतजार जरूर करूंगा और मैं जेफ हार्डी के लिए अगले हफ्ते स्मैकडाउन के शो में जरूर आऊंगा। तो गाइस अब फाइनली जाकर मेरे दिल को थोड़ी सी ठंडक पहुंची कि कुछ ना कुछ तो होगा। जेफ हार्डी के लिए भी मैं खुश हूं क्योंकि उनको भी डब्ल्यूडब्ल्यू अच्छे से बुक करते नहीं है, शेमस को भी नहीं करते, तो दोनों अच्छे बंदों को अगर साथ में आकर बुक किया जाता है तो डेफिनेटली स्मैकडाउन के ऊपर एक कमाल की स्टोरी लाइन दे सकते हैं। अभी हमने कुछ देखा नहीं है ज्यादा, पहले से तारीफ करना गलत ही होगा क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू इसके साथ पता नहीं क्या करते, कुछ नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट अब होप है कि शेमस जो है स्क्वॉश मैचेस से अलग जाएंगे और जेफ हार्डी के साथ अगले हफ्ते से शायद हमको इनकी जो है फ्यूड देखने को मिल सकती है। कार्मेला वर्सेस मैंडी रोज का हमको देखने को मिलता है क्वालिफाइंग मैच, और इस मैच को लेकर मैं कंफ्यूज था कि इस मैच में रिजल्ट क्या होगा, क्या मैंडी रोज जीतेंगी या फिर कार्मेला जीतेंगी। और गाइस मैंने आपसे कहा था पिछले वाली वीडियो के अंदर कि अगर यहाँ पर सोनिया डिविल आती है तो डेफिनेटली इस बात का फायदा मिलेगा कार्मेला को, रिंग साइड पर जो है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इनफ थी सोनिया डिविल, और गाइस इस मैच में कार्मेला जीत गई। और गाइस मैच खत्म होने के बाद सोनिया डिविल ने मैंडी रोज के ऊपर अटैक भी किया। उसके बाद गाइस उनको जाकर ये भी देखने को मिलता है कि डॉक्टर आता है और मैंडी रोज को चेक करता है, ओटिस भी वहां पर होते हैं जो कि पूछते हैं कि भाई मेरी मैंडी रोज कैसी है, डॉक्टर कहते हैं कि हाँ ये ठीक हो जाएगी। लेकिन गाइस इंटरेस्टिंग पार्ट यहां पर ये था कि इस दौरान यहां पर जिगलर भी आ जाते हैं और वो भी मैंडी रोज का हालचाल पूछ रहे होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा वियर्ड है। लेकिन ये तो भाई कहानी चली रही है आज से, मतलब जो शुरुआत ही हुई थी कहानी की वो यही थी कि किसकी होने वाली है मैंडी रोज, और सोनिया डिविल ने बाद में आके इसमें जो है तड़का भी मार दिया। नेक्स्ट गाइस हमको मैच देखने को मिलता है न्यू डे वर्सेस फॉरगॉटन सन्स के बीच, और अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी जहां पर मैंने आपको बताया था इस मैच के बारे में, मैंने आपसे कहा था कि फॉरगॉटन सन्स को अभी डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो है डेब्यू करवाया है मेन रोस्टर के अंदर, यहां पर वो अगर उनको डोमिनेटिंग बुक करना है तो इस मैच में उनको नहीं हरवा सकते। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू ने एग्जैक्टली यहां पर ऐसा ही किया, इवन इस मैच के अंदर भी वो काफी ज्यादा डोमिनेटिंग दिखाई दिए। कमेंट्री टेबल पर यहां पर मेजर मॉरिसन बैठे होते हैं जो कि चीयर कर रहे होते हैं, तालियां बजा रहे होते हैं, हे हो कर रहे होते हैं। और गाइस मैच की एंडिंग कुछ ऐसी होती है जब डबल टीम मूव के सारे से इस मैच में फॉरगॉटन सन्स जीत गए और गाइस उन्होंने हरा दिया चैंपियंस न्यू डे को, हालांकि मैच चैंपियनशिप के लिए नहीं था। और गाइस उसके बाद तालियां बज रही होती है मेजर मॉरिसन की तरफ से जो कि कह रहे होते हैं यू डिजर्व इट। तो ठीक है डब्ल्यूडब्ल्यू ने फॉरगॉटन सन्स को भी स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करी है, बट एटलीस्ट अगर इसका कुछ अच्छा एंड हो तो फिर देखने में और भी ज्यादा मजा आएगा। बैकस्टेज गाइस हमको एक बहुत ही वियर्ड सा सेगमेंट देखने को मिलता है जो कि था तमीना का गाइस यहां पर इंटरव्यू हो रहा होता है, वो बात करती है बेली के साथ उनका मनी इन द बैंक के लिए मैच है। वो कहती है कि रेसलमेनिया के अंदर भी मेरे को मैच से बाहर करने के लिए बहुत सारे बंदों की जरूरत पड़ी थी, लेकिन अब बेली मेरे सामने उनको मैं जो है कच्चा चबा जाऊंगी। लेकिन गाइस यहां पर होता क्या है, बेली एंड साशा बैंक्स आ जाती है जो कि तमीना के ऊपर अटैक कर देती है, वो इक्विपमेंट बॉक्स के ऊपर से उनको फेंक देती है और वो काफी ज्यादा खुश होती है इसके बाद। लेकिन गाइस तभी यहां पर लेसी एवेंस आती है, और भाई मतलब क्या सारे के सारे बंदे चिल्ला रहे हैं, अगर आप टीवी के वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़ा के या फिर हेडफोन पे इसको सुन रहे हो तो भाई आपका दिमाग खराब हो जाएगा, इतनी वहां पर चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। लेसी एवेंस जो है चीजों को ब्रेक करने आती है, और इससे में पता लग रहा है कि जो स्टोरी लाइन है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कहीं ना कहीं तमीना और बेली के बीच तो दिखाई रही है, साशा बैंक्स और लेसी इवेंट्स के बीच भी खटपट जरूर है। वो बात अलग है कि लेसी इवेंट्स को तो भाई अपना स्पॉट मिल चुका है लैडर मैच के लिए, तो मेरे को लगता है कि मनी इन द बैंक के बाद भी इनके बीच कुछ ना कुछ चीजें कंटिन्यू होने वाली है, वो क्या होंगी उसके बारे में भी बात करके फायदा है नहीं, सारा फोकस होना चाहिए लैडर मैच में और देखते हैं वहां पर किन सुपरस्टार्स को इनमें से मिलता है अपर हैंड। शो के मेन इवेंट की बात करें तो गाइस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ओटिस वर्सेस जिगलर का मनी इन द बैंक का क्वालिफाइंग मैच रखा था मेन इवेंट में, जो कि मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यूई का बहुत ही गलत डिसीजन था। मतलब मेरे को नहीं लगता कि ये फील्ड इतनी भी ज्यादा बड़ी हुई है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको मेन इवेंट के अंदर रख दे, बट जो भी है हो गया मैच मेन इवेंट के अंदर। और गाइस सीधा मैच के अगर रिजल्ट के ऊपर ही आए, क्योंकि मैच में इतना भी कुछ खास नहीं था, कमर्शियल आ जाते तो भाई दिमाग तो वैसे ही खराब हो जाता है। एंड में हमें ये देखने को मिलता है कि जिगलर का जिगजैग पड़ने के बाद भी जो ओटिस हैं वो कर देते हैं किक आउट, और उसके बाद जब कैटरपिलर पड़ा तो गाइस उस पर किक आउट नहीं कर पाए जिगलर, और इस तरीके से ओटिस इस मैच को जीत गए। और गाइस अब उनका जो स्पॉट है वो पक्का हो चुका है मनी इन द बैंक के लैडर मैच के लिए।
तो इस तरीके से जो स्मैकडाउन का शो है वो एंड हो जाता है। ओवरऑल गाइस अगर मैं पूरे शो की बात करूं तो इस वाले शो से मेरे को कुछ ही चीजें बढ़िया लगी। शुरुआत के दोनों ही सेगमेंट बहुत बढ़िया थे, मेरे को लग रहा था कि भाई आज तो स्मैकडाउन बहुत अच्छी होने वाली है, लेकिन उसके बाद जो पूरा शो है वो डल चला गया, डाउन चला गया। इतना मैं इसको कोई खास शो बोलूंगा नहीं, लेकिन फिर भी 2 घंटे का शो है तो गाइस आपको पता है ये फिर भी झेलने लायक है। लेकिन हाँ, लाइव बैठ के देख रहे हो उसमें अंतर है और हाईलाइट देख रहे हो तो उसमें काफी ज्यादा अंतर। वेल गाइस आप लोग मुझे बताओ कि स्मैकडाउन को 5 स्टार में से आप लोग कितने स्टार दोगे। ये वाली वीडियो गाइस अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक के बिना कहीं मत जाना और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से प्रो रेसलिंग से जुड़ी सारी बातें जानने को मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।